मन ही शक्तियों को महसूस करता है, मन ही सुख को महसूस करता है, मन ही दुख को महसूस करता है। पर मन कहाँ है? उसकी शक्ति विराट है, विशाल है। ये साइंस भी मान रही है कि मन जो चाहता उसी से सब कुछ होगा। अध्यात्मिक साइंस भी मानती है। पर मन का दोस्तों कोई आकार नहीं है, कोई उसकी शक्ल नहीं है। और मन के साथ अबाद आती आत्मा, आत्मा के लिए बहुत कुछ वर्णन है पर आत्मा का भी कोई आकार नहीं है। जब जब हम ध्यान में जाते हैं, जो जाते हैं उनको भी महसूस होता होगा। मन का भी कोई आकार नहीं है, आत्मा की भी कोई शक्ल नहीं है, उसका भी कोई आकार नहीं है। और दोस्तों जो परमात्मा है आत्मा के साथ, उसका भी कोई आकार नहीं है। उसको आप मत बांधो किसी शक्ल में, किसी धर्म में, किसी आकार में, आप कभी भी नहीं पा पाओगे। पर मन का, आत्मा का, परमात्मा का डायरेक्ट रिलेशन है। पर जब तक मन उसकी ओर लगेगा नहीं, ये पर्दा खुलेगा नहीं, आप बाहर भटकते रहोगे। और जो संकल्प है, जैसे मन आत्मा परमात्मा का कनेक्शन बन जाता है ना, फिर छोटी बात हो जाती है।